समस्तीपुर के पास NH-28 पर ओवरटेक कर रहे एक ट्रैक्टर से बचने की कोशिश में बेगूसराय की तरफ से जा रही एक टाइल से लदा जो ट्रक था वो अचानक पलट गया। इससे सड़क किनारे ऑटो पकड़ने के लिए खड़े लोग ट्रक और टाइल्स के नीचे आ गए। इसमें दबकर चार लोगों की मौत हो गई। जेसीबी की मदद से टाइल्स और जो गिरे ट्रक है उसको हटा लिया गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद राहत और बचाव के काम को पूरा किया गया। उनकी मदद से हादसे के बाद NH-28 पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। चंद्रमोहन, कुछ कंफ्यूजन यहां पर नजर आ रहा था कि ट्रक शायद ये समझ नहीं पाया कि उसको जाना कहां से, एक ट्रैक्टर सामने से आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन के चलते क्या हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए ये कंफ्यूजन की वजह से ही हादसा हुआ है। जो अब तक जो वहां पर लोग मौजूद थे उनसे मेरी बात हो पाई है, उसके मुताबिक कुछ लोग जो है वो ऑटो पकड़ने के लिए वहां पर खड़ा थे और तभी समस्तीपुर जो बेगूसराय से रोड आता है वहीं से ट्रक आ रही थी जिसमें टाइल्स लदा हुआ था और तभी यह हादसा हुआ है। हालांकि जो लोग वहां पर जख्मी है उनसे जो बात हो पाई है उनके मुताबिक वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कंफ्यूजन हुआ और ट्रक को यह पता नहीं चल पाया कि आखिर उनको जाना कहाँ है, और साथ ही जो सामने से ट्रैक्टर आ रहा था उसको उसके ड्राइवर की गलती की वजह से भी यह हादसा हुआ है जिसमें जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी उनका इलाज चल रहा है। चंद्रमोहन, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और कितने लोगों की क्या मौत की भी खबर है? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पाई है स्थानीय यह कहना है कि इस मामले में जब ट्रक पलटा था उस समय जो अंदर से बॉडी निकाला गया उसमें चार लोगों का शव निकाला गया है जबकि तीन से चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है, और उसमें भी दो लोगों का जो हालत है वो भी काफी नाजुक है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस जब को जैसे ही ये जानकारी मिली थी उसके बाद वहां पर पहुंचकर और जेसीबी भी बुलाकर इस ट्रक को उठाया गया जिसकी वजह से जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं जिनको अस्पताल भर्ती कराया गया है उनकी जान बच पाई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चंद्रमोहन आपका।